हाँ, थोड़ा नेटवर्क इश्यूज के कारण प्रॉब्लम हो गया था। तो मेन जो चीज़ है जो डिस्कस हम कर रहे थे कि इसमें क्या हुआ, इसमें देखो हम लोगों का जो कनेक्शंस हम किए थे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हम कर दिए, क्योंकि इसका रेंज ना हम फर्स्ट फ्रॉम F0/1 to 3 लिए थे, फिर उसमें क्या हम लोग सेकेंड रेंज को भी स्टार्ट किए थे, तो इसको नहीं करना चाहिए था। ये हम लोगों का सेकेंड रेंज तो जो था इस F0/4 से करना चाहिए था, बट ओके इसको हम लोग फिर से कॉन्फिगर कर सकते हैं। सो वी हैव टू वेट सम टाइम, बिकॉज इफ यू प्रेस एन कमेंट देन फॉर इट वी हैव टू टेक सम टाइम। 4 to 6 करना था सर वहाँ पे। हाँ हाँ, उधर 4 to 6 होना चाहिए था, हम 3 से 6 कर दिए थे, और 3 से ही हम क्या किए उसमें डिवीजन को 0 to 3 और उसके बाद भी 1 to 3 किए, फिर उसके बाद 3 to 6 कर दिए। तो इसमें क्या है, डिवीशन जो है डिवीशन ऐसे हो गया कि ये दो सिस्टम्स हम लोगों का क्या होगा। हाँ, वो भी हो सकता है कि ये जो सिस्टम्स हो ना, ये क्या है, ये भी मार्केटिंग में मुझे घुसा देना होगा, क्योंकि ऐसे हो गया है कि ये दो सिस्टम्स को क्या है, ये दो सिस्टम्स उसमें कम्युनिकेट हो गया, और ये जो बाकी चारों सिस्टम्स है इससे हम लोग आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे, यही होगा। एंड हो गया सर। तो इसको हम देखो हम फिर नहीं कर रहे हैं कि ये भी हो सकता है। इसमें क्या है कि दो पार्ट में उधर क्या था, हम जो चाह रहे थे हम उधर गलती से कर दिए कि दो पार्ट में डिवीजन करना चाहिए था, ये 3 और ये 3 सिस्टम। तो इसमें अभी क्या है कि ये दो सिस्टम्स सेल्स में आ गया और ये चारों सिस्टम्स हम लोग का मार्केटिंग में आ गया, इसको इधर रहना चाहिए था, बट ये हम गलती से कर दिए। ठीक है, तो गलती नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी कंडीशंस हो सकते हैं कि हाँ अब उसमें क्या है कि चारों सिस्टम्स जो है, ये चारों सिस्टम्स हम लोगों का मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हो जाएगा। तो अब देखो इसमें अगर हम करें, तो इसमें अगर हम अभी करने जाए तो देखो पिंग करने जाए देन 192.168 हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कुछ पीसीज ले रहा है। देखो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सिस्टम्स का है कि मानो इस सिस्टम, ये जो आईपी एड्रेस सिस्टम है इसको हम लोग पिंग करेंगे .4। देखो रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, मेरा तो स्टिल हो रहा है। हाँ मेरा ना सो जैसे आपका 1 to 3 एक 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 साइड वाला है सेल्स में, 1 to 3 हाँ है, ठीक है, और 4 to 6 हाँ है आपका मार्केटिंग में। बट मेरा सर ऐसा नहीं है, मेरा है मार्केटिंग में 3 to 5 एंड जो रेस्ट बच गया है वो सेल्स में है। तो उसमें कैसे हम हम देखेंगे, डिफाइन करेंगे हम देखेंगे देखेंगे सर? देखेंगे हो गया मेरा कुछ। सर, तुम्हारा हो गया? यस सर, रिक्वेस्ट टाइम आउट बता रहा है। हाँ, अब देखो इसमें क्या है, हम देखेंगे सबका ही, हम स्क्रीन शेयर करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देखेंगे के बाद अभी देखेंगे। अब देखो ये जो है इस सिस्टम से हम इस सिस्टम का कम्युनिकेशन करने चाह रहे थे, इसलिए क्या है कि ये दोनों डिफरेंट में है, अभी इसमें कम्युनिकेशन नहीं कर पाए, बट ये जो सिस्टम है ये क्या है, ये सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर ही प्रेजेंट है। तो इसको अगर हम पिंग करें तो देखो इसका पिंगिंग होगा, ये देखो ये आपस में है, तो इसलिए क्या है इसका आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, यही वर्चुअल लैन का कॉन्सेप्ट है। देखो कि हम लोग डिविजन कर दिए, दो पार्ट में डिविजन कर दिए कि ये जो सिस्टम्स प्रेजेंट है ये आपस में इस डिपार्टमेंट के अंदर जो सिस्टम्स है ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन विल नॉट बी पॉसिबल ना, यही कि हम लोग उस अंदर डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो हम अभी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहे हैं, जो जिसका जो प्रॉब्लम है हम देखेंगे।
शेयर करो, हम ऑप्शन दे दिए स्क्रीन शेयरिंग का। हम सर अपना दिखा देते हैं तब तक। मेरा तो हो गया इसलिए मार्क्स नहीं मिल रहा है सर। हम दिखा दे रहे हैं अपना, मेरा हो गया है तो सर मार्क्स थोड़ी दे रहे हैं, इतना दिखाने का क्या जरूरी है। अरे तो तुम करो ना, ठीक है तुम लैपटॉप ऑन करो, ऑन करने के बाद ये दिखाओ। सर उसमें टाइम लगेगा, तब तक हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है अरे दिखा दीजिए सर, उनका देख लीजिए ना फिर। ठीक है ठीक है, तुम उस टाइम ये करो, हम देख लेंगे उज्जवल का। शेयर करो, हम ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है ना सर। और सेम जो है सेम डिपार्टमेंट के अंदर का सिस्टम्स में करो। हाँ ठीक है, तो ये जो था ये तो हम दिखाए, अभी तुमको बोले तुम ऐसे नॉर्मल कर सकते हो कि हम चारों सिस्टम इधर, तो हम सिर्फ छह सिस्टम लेके करिए। तुम ये भी कर सकते हो, सिस्टम्स बढ़ा के उसमें डिवीशन कर सकते हो तुम। yes, और एक सिस्टम से इधर जुड़ के वो भी उसमें कनेक्शन कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, इधर तो हम जैसे दिखा है, मगर ये हम नहीं चाह रहे थे। हम जो चाह रहे थे कि तीनों सिस्टम्स का, बट उस टाइम मेरा कॉन्फ़िगरेशन के टाइम में ये प्रॉब्लम हो गया कि पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के टाइम। सर एक बार स्विच कॉन्फ़िगर कर दिया तो फिर चेंज नहीं हो सकता। हम नहीं, उसका कॉन्फ़िगरेशन अभी चेंज हो सकते है, बट उसको फर्स्ट उस कॉन्फ़िगरेशन को क्या है, उस कॉन्फ़िगरेशन को फर्स्ट तुमको टोटल एग्जिट करना है उस कॉन्फ़िगरेशन से, डिलीट करके उसके बाद तुम फिर से नया कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, समझ में आया था? समझ में आया था? यस सर। हाँ उज्जवल शेरफ ना। हाँ फिर शेयर करो, अभी देखते हैं तुम्हारा क्या प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, तुम इसमें करो, हम बोल दे रहे हैं। अच्छा दिख रहा है? स्क्रीन देख रहा है। ये इसमें स्विच के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में जाओ तो एक बार, स्विच का कॉन्फ़िगरेशन में तो हुआ नहीं था, तो इसलिए पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन ही तो अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए तो ये प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, इधर लिखो कमेंट का, देखो क्या लिखना है। हाँ फर्स्ट इनेबल लिखो, इनेबल फिर EN करो। हाँ देन इनेबल करने के बाद क्या करते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए, हाँ कॉन्फ़िग टी। ठीक है, अभी फर्स्ट रेंज को, रेंज तो तुम्हारा तो अभी तक रेंज नहीं हुआ था, तुम तीनों पीसी इधर दे दो, हम तो कर दिए थे इसीलिए ये हो गया।
ये पीसेस तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन तो अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या लिखना है? तो अभी लिखो इंट रेंज, इंट रेंज आर ए एन जी। हाँ अभी इसको देखो कौन सा, इसको थोड़ा साइड में लाओ, इसे जो बॉक्स है बॉक्स को थोड़ा साइड में लाओ, राइट साइड में थोड़ा शिफ्ट करो। हाँ अब एक एक करके जो सिस्टम्स है उस सिस्टम्स को थोड़ा मूव करो, एक एक सिस्टम्स को जैसे हम कर रहे थे, इसको थोड़ा ऊपर में लेके जाओ। अब देखो कि क्या लिखा है इस, और नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो है ये क्या है देखो, हाँ ये क्या है 03। हाँ बात ठीक ठीक है। अब ये इसको लेके देखो, इसको लेके जाओ, आफरीन। ये नहीं है। तुम्हारा ये जो डिवीजन के लिए जो हम लोग इसमें ये यूज किए ना इंटरफेस का, यही मेन पार्ट है। इंटरफेस के ऊपर ही जो सिस्टम से उसका ये चेंज होगा, ठीक है, इंटरफेस मेन पार्ट है। हाँ सर, बट अगर जैसे आपने किया था कि रेंज आपका एक ही साइड मतलब मीन्स 1 2 3 था, वो सीरियल वाइज था, बट मेरा जो है इसमें सीरियल वाइज नहीं है, तो उसमें कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? हाँ मीन्स हम एफ देखेंगे देखेंगे देखेंगे, कोई इशू नहीं, हम देखेंगे तुम्हारा भी देख करेंगे। ये आफरीन कहाँ गया, दिखाते हम सबका ही देखेंगे तुम्हारा भी देखेंगे, वो तुमको शेयर करने बोलेंगे उस टाइम। इसका आफरीन का शायद नेटवर्क कनेक्शन चला गया। तो मेरा हो गया, क्या हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? हम बोलेंगे बोलेंगे सबका ही देखेंगे, ठीक है। आफरीन को तो देख नहीं पा रहा है, ठीक है। शिखा तुम्हारा दिखा दो क्या हुआ है। ओके सर, दिख रहा है? दिखा रहा है, हाँ 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 दिख पा रहा है। सर किसी का भी आईपी एड्रेस है ना? किसी का आईपी एड्रेस नहीं। अब देखो तुम जिसमें ये किए हो, ये एक डिपार्टमेंट है, सेल्स एक डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट है। अब यस सर, तुम्हारे अंदर सेल्स के अंदर जितना पीसीज है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट मार्केटिंग के अंदर जो पीसीज है वो अपने आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट सेल्स में एक पीसीज है और तुम कम्युनिकेशन करने जा रहे हो मार्केटिंग का कोई पीसीज से, तो कम्युनिकेट नहीं करेगा, तब हम लोग समझेंगे विलन काम कर रहे, ठीक है। यस तो फर्स्ट जिसके ऊपर तुम दिए हो उसमें क्लिक करो, जिसके ऊपर पॉइंटेड है उसके ऊपर तुम क्लिक करो। सर इस पे कर लेंगे। करो, कोई इशू नहीं, तुम जो चूज करोगे उसमें ही कर सकते हो।
बट नहीं दिख रहा तो कुछ तो नहीं दिख रहा है। ना, तुम्हारा कोई स्क्रीन व्यू वगैरह कुछ नहीं खुला, सिर्फ नॉर्मल जो है नॉर्मल पिक्चर जो है वही दिख रहा है, बट तुम जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो वो नहीं देख पा रहे है। मतलब क्लिकिंग के बाद हम कुछ नहीं देख पाए। सर अभी दिख रहा है। अच्छा तुम्हारा पॉइंटर है हम देख पा रहे हैं बस वही। कमांड लाइन नहीं दिख रहा तुम्हारा, वो हाँ डायलॉग बॉक्स खुलेगा ना। डायलॉग बॉक्स नहीं देख फुल पा फुल रहा। स्क्रीन शेयर करो ना, फुल स्क्रीन एक ही है तुम्हारा, एक ही टैब, तुम एक ही स्क्रीन शेयर किए, फुल करो। तुम टोटल नॉर्मल जो स्क्रीन है ना वो शेयर करो तब ठीक से हो सकता। इसको मैं जाऊं ना नीचे, वहां पे चार पांच हाँ फिर स्क्रीन हम दिखाता देखेंगे, हूँ थोड़ा अगर। थोड़ी देर बाद देख रहे हैं तुम्हारा। अच्छा देखो नीचे एक ऑप्शंस मिलेगा तुम्हारा, शिखा नीचे एक ऑप्शंस मिलेगा, यस देखो स्क्रीन शेयर बोल के एक ऑप्शंस मिलेगा, उधर तुम यस जब सर, चूज उस करोगे पर बट किए उधर देखोगे ऊपर में ऐसे पूरा बॉक्सेस में लिखा रहता है कि हैं। यस स्क्रीन बोल सर, के एक ऑप्शंस लिखा रहता है, उस स्क्रीन को ऑप्शंस को चूज करो। सब वही तो कर रहे हैं, सब दिख रहा है। ठीक अभी है तो जाओ अच्छा सिस्टम्स के ऊपर क्लिक करो। तुम स्क्रीन शेयर नहीं कर रही है, तुम सिस्को वाला शेयर कर रही है। तुम एक काम करो, स्क्रीन बोल के जो ऑप्शंस है देखो, शेयर स्क्रीन करने के बाद स्क्रीन बोल के एक ऑप्शंस रहता है उसको चूज करो, ठीक है। तुम ये है कि उस फोल्डर को चूज कर रहे हो उसको नहीं, स्क्रीन बोल के जो ऑप्शंस है उसको चूज करो, अभी हुआ इसको प्रेस करो। हाँ, अभी देख रहा है। ओके सर। हाँ ठीक है ठीक है। इसके बाद क्या है कि सेम जो ये है ना उसमें कम्युनिकेट करना, सेम जो हम लोगों का जो ये डिपार्टमेंट के अंदर सेम ये है कि अब देखो जो जो पैकेज सेंड किया उस कोई भी रिसीव नहीं हुआ, सब लॉस्ट हो गया, सेम में चूज करो। ओके ठीक है ठीक है, बंद कर दो स्क्रीन शेयर, समझ गए। हाँ आफरीन, अब तुम शेयर करो जो प्रॉब्लम हुआ था। आफरीन हाँ, अब रेंज में जाके क्या है, रेंज में जाके एक काम करो कि हम लोगों का ये जो है अब कहा था ये जो F0 से ये तक वो फिर तो मेरा ये जो था देख लिए थे कहा रेंज तक था, F023 ना, मतलब F01, F02 और F03 यही था, तो ये सेल्स वाला जो पीसीस था ये तीनों का इंटरफेस 3 था, तो उसको तुम एंटर करो फिर। हाँ अब एंटर करने के बाद इधर लिखो स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट। कॉपी भी पेस्ट भी तो कर सकते थे ना, हाँ कॉपी भी पेस्ट कर सकते हो, तुमको जैसे मन लगे वो भी लिख सकते हो, तो फिर जब यहाँ पे लिखे ही हैं तो इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार तो देता है। स्विच स्विच पोर्ट से करो। स्विच ऊपर में तो हो गया था, वो तो रेंज तो हो गया था, फर्स्ट वाला तो इंट रेंज F01 तो तुम लिख लिए थे ऑलरेडी, नहीं आखिर में ये लिखना है। अच्छा ठीक है छोड़ो। तुम तो लिख लिए थे उधर। हाँ नेक्स्ट उससे कॉपी करो।
हाँ पेस्ट, देखो पेस्ट ऑप्शन से, हाँ इंटर। वापस से क्या आ रहा है अब अभी, इसका फिर लिखो इसका, वाई इसका भी, एंट्रेंस इसका, वाला। हाँ, फिर सेकंड वाला भी करना होगा, सेकंड वाला भी ऐसे ही। हाँ तो इसको पूरा कॉपी कर लेते हो। हाँ कर लो। अब लैंड डज नॉट एग्जिस्ट, नेक्स्ट चले। एग्जिट करो तो EXIT एग्जिट लिखो। निकल जाओ उधर से, फिर एग्जिट एक, नहीं, ऐसे निकलने से कुछ नहीं होगा, फिर एग्जिट लिखो। एग्जिट लिख दिया। हाँ फिर एग्जिट लिखो, ये तो कॉन्फ़िगरेशन से तुम बाहर लिख ले बस, एग्जिट लिखो। हाँ फिर एंटर करो, एंटर एंटर। हाँ ठीक है, अब जाके टोटल ये जो है पूरा कॉपी पेस्ट करो, जो नोटपैड में लिखा था, नोटपैड में जो लिखा था अभी उसको कहाँ टोटल कॉपी कॉपी। पेस्ट करो? फिर इधर एक कॉपी पेस्ट करना, ये जो है स्विच जो है उसमें कॉपी पेस्ट करना, इसमें कॉपी अच्छा पेस्ट अच्छा करना। ओके। कहाँ ये वाला पूरा यहाँ से नहीं कॉन्फ़िग नहीं टोटल टोटल कॉन्फ़िगरेशन से एकदम स्टार्ट तक। से, मेरा हाँ वहीं से नहीं हुआ था। तुम इसको कॉपी पेस्ट करो टोटल। नेक्स्ट अब एंड करो, ENT देन प्रेस एंटर। अब WR लिखो सेव करने के लिए, WR। हाँ फिर अब देखो ये कमांड लिखो, SH कमांड लिखो, SH VLAN स्पेस BR। हाँ ये दब देखो, अब देख पा रहे हो कॉन्फ़िगरेशन का, नीचे देखो जो जो ये है कॉन्फ़िगर्ड हो गया है, पोर्ट 10 मार्केटिंग एक्टिव, FA01 FA02, नीचे नीचे ऊपर नहीं, अरे नीचे देख हाँ दिख रहा है। 10 मार्केटिंग इसके आगे जो लिखा है, देख पा रहे हो, मतलब अभी क्या है दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, मतलब ये जो है ये मार्केटिंग के अंदर है, मगर तुम्हारा केस जो हुआ है, रुको 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 1 मिनट, तुम्हारा मार्केटिंग और VLAN 0200 ये हो गया है, अच्छा FA04 05 06, मतलब ये साइड में जो जो है FA04 FA05 FA06, और इस साइड में सेल्स में है तुम्हारा FA01 FA02 मीन्स FA03। अच्छा ठीक है, मतलब लेफ्ट पार्ट में जो प्रेजेंट है वो राइट पार्ट का जो सिस्टम्स है अलग सा उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। देखो अभी इसको कमांड प्रॉम्प्ट देके रन करो, देख अच्छा, पाओगे। मार्केटिंग में ये क्यों आया, 1 2 3 क्यों आया? करो हम बोल दे रहे हैं, इसमें पिंग करो, पहले दूसरे वाला कोई इसमें दो, मतलब 4 5 6 इसके अंदर कुछ चूज करो। कम्युनिकेशन नहीं होगा, देखो टाइम डाउन। दोनों तो डिवाइड हो चुका है, अभी तो आपस इसमें कम्युनिकेशन नहीं होगा अभी, और अपने ग्रुप के अंदर करो, देखो कि कम्युनिकेट कर पाए। होने देखे कम्युनिकेशन कर पा रहे जो खुद का ग्रुप के अंदर उस सिस्टम्स को। आप शेयर कर ठीक है तो इसको आफरीन, दें। हाँ क्लियर हुआ, तुम जो जो उसका रेंज रखोगे वही सिस्टम्स का ऐसे ग्रुप डिवीजन हो सकते हैं, तुम अगर चाहो तो इसको भी तीनों पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, ये भी हो सकते हैं, ये देखना तीनों पार्ट में डिवाइड करके होता क्या नहीं, ये तुम्हारा तो ये है मेरा ये था कि तुम मार्केटिंग में 1 2 3 क्यों आया? वो जो उसका जो ये है ना कॉन्फ़िगरेशन के टाइम में प्रॉब्लम हो गया था, मतलब दिखा रहा है तो मार्केटिंग के जगह में
0 2 0 ऐसे कुछ दिखा रहा था, वही तो। हाँ वो कॉन्फ़िगरेशन के टाइम में नेमिंग का जो था, नेमिंग में कुछ गड़बड़ हुआ, इसीलिए वो मार्केटिंग के जगह ये दिखा रहा। मगर वो मेरा इंटेंशन नहीं है, ठीक है, वो मार्केटिंग के जगह कुछ दिखाए और नहीं दिखाए, ठीक है, मगर सिस्टम्स के बीच में जो हम कॉन्स्टेंट कर पाए, यही मेरा मेन टारगेट था कि सिस्टम्स के बीच में हम कॉन्स्टेंट करके दिखाए कि ये कोई पोर्शंस ऑफ द सिस्टम, कोई पोर्शंस ऑफ द सिस्टम हम लोगों का एक ग्रुप में है, कुछ पोर्शंस ऑफ द सिस्टम मेरा अलग ग्रुप में है, ठीक है। तो अब क्या है, जब हम ग्रुप डिविजन कर दिए तो वो ग्रुप डिविजन का क्या है, ग्रुप के दोनों ग्रुप का सिस्टम्स एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, ओनली क्या है कि उस ग्रुप के अंदर जो सिस्टम्स है वही आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे, यही विलियन का कॉन्सेप्ट। अब तुम्हारा ये जो है ये कॉन्सेप्ट इधर हो रहा है, मतलब ठीक है, यही कॉन्सेप्ट को दिखाना है, नेम लेके कोई इतना चीज नहीं है, बट कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है क्या नहीं, ये हमको दिखना है, ठीक है। ओके हाँ सुचित्रा तुम आप शेयर करो तुम्हारा जो प्रॉब्लम बोल रहे थे। सो विजिबल हो रहा है? हाँ विजिबल हो रहा है, ठीक है। तुम स्क्रीन शेयर किए थे तो नहीं तो मतलब स्क्रीन ऑप्शन को चूज किए थे तो नहीं तो देख नहीं पाएंगे। हाँ सर। अच्छा ठीक है। रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जा रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, इसको बंद करो एक बार। तुम एक काम करो सुचित्रा, इसमें जाओ ऊपर में ऑप्शन, ऑप्शंस में जाओ एक बार, ऑप्शंस प्रेफरेंसेस है, देखो प्रेफरेंसेस लिखा है। तो इसमें टाइम आउट तो होगा ना, ये 1.4 का किए थे। तुम्हारा तुम्हारा तुम 4 से किए थे? हाँ। अच्छा ठीक है ठीक है, प्रेफरेंस में तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, बट फिर भी मेरा मतलब सही आउटपुट दे रहा, तो वही समझ नहीं आ रहा। नहीं तुम एक बार ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शंस ऑप्शंस, नहीं तो हम इंटरफेस समझ नहीं पाएंगे कौन सा इंटरफेस लिया है क्या नहीं। प्रेफरेंस को चूज करो, प्रेफरेंस। अब देखो ऑलवेज शो पोर्ट लेवल्स इन लॉजिकल वर्कस्पेस एक ऑप्शन है, ऑलवेज शो पोर्ट लेवल्स, हाँ उसको उसको क्लिक कर दो, क्लिक कर दो। हाँ अब उसको क्रॉस करो। अब एक एक जो सिस्टम्स है ना उस सिस्टम्स का वही चीज, तो इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, वो हो सकते हैं। ये क्या है कि तुम्हारा भी ऐसे ही होगा, ये कोई रूल्स नहीं है, इसलिए तो हम बोले कि तुम्हारा जैसे रहेगा ऐसे तरीके से करना है, ठीक है। तुम अब इसको जाओ 192.168.1 इसको लेके देखो कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसको एक थोड़ा ये करो। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो वाला नहीं, ये खोलना नहीं है। अच्छा अच्छा ये बंद करो क्योंकि इसमें इंटरफेस क्या है वो देखना है मुझे। इसको थोड़ा ड्रैग करो तब इंटरफेस को हम देख पाएंगे, इसको थोड़ा ऊपर में या नीचे ड्रैग करो। 6 है, रुको ये 6 है, सेम एज दैट सेकंड वाला को करो। 1 है, 1 है, 1। अच्छा ठीक है ठीक है, ये 2, थर्ड ये वाला क्या है? 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है। अब इसके अंदर जाओ कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर, स्विच का कॉन्फ़िगरेशंस में जाओ। तुम्हारा क्या करना है, उधर हम लोग का ऐसे नॉर्मल 1x1 था ना, तुम्हारा अगर करना है तुमको वो वाला तीनों अलग अलग करके लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा रेंज डिफरेंट है। सर वो पहले वाला किया था, सेकंड वाला जो मार्केटिंग का है वो तो सही है ना, 3 to 5 उसका कर लिए हैं। हाँ, ये वाला जो शोर है ना
ये हो गया, 3 to 5 ये कर लिया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो रहा है लेफ्ट वाले में। लेफ्ट वाला में तुम लिखो इंच रेंज, उसमें भी लिखो ऐसे नॉर्मल इंच रेंज लिखो लेफ्ट वाला के लिए। सो इसमें ऐसा क्यों होता है, फिर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, फिर कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तुमको। होस्ट नेम तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो लिखने का जरूरत नहीं, वो तो ऐसे नॉर्मल होस्ट नेम चेंज करने के लिए तुमको बोले थे ऐसे एक बार। अभी ये जो था ना, तुम इंच रेंज करो विलेन 10, वो फिर से लिखना पड़ेगा विलेन। नहीं, तुम इंच रेंज जो है अभी तो वो तो कॉन्फ़िगर हो चुका है। नहीं एक बार इंच रेंज के आगे पहले एक बार ये करो तो एंड करो, एक बार एंड करो हम देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन का क्या हुआ। एंड करो एक बार देन फिर एंटर। अभी कमेंट लिखो sh देन vlan स्पेस br स्पेस br p n a br शोल vlan। अब देखते हैं देखो क्या है, मार्केटिंग का डिफाइंड हो चुका है 03 04 05, ये मार्केटिंग का है ठीक है। तुम्हारा तब होगा 1 2 और 6, ये होगा ठीक है सेल्स तुम्हारा रेंज में। फिर अभी फिर इसको इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओ, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओ कॉन्फ़िग टी करके, हाँ देन इंच रेंज। अब उसमें क्या क्या था, एफ जीरो तुम्हारा क्या था, 01 0.02 दे दो, एफ 02 कॉमा एफ 06 यही तीन था तो। हाँ यही तीन था। एंटर मारो। हाँ अभी इसमें लिखो अब लिखो स्विच कोड स्विचबोर्ड एक्सेस देन विलेन, इसका क्या था 10 मतलब विलेन 10 था। हाँ 10 था। हाँ हाँ 10 दो एंटर। अब फिर इसको एंड करो ENT फिर एंटर करो WR। हाँ फिर अभी क्या है उस कमेंट को फिर लिखो SH VLAN BR, ये कमेंट का फुल फॉर्म है शो VLAN ब्रीफ ठीक है। ब्रीफ एंटर मारो, ब्रीफ लिखना नहीं है इसका, ये है अब देखो हो गया है ठीक है। अब इसको बंद कर दो, अब देखो हो जाएगा। So, मेरा ना आई थिंक पूरा अच्छे से नहीं हो रहा है डाउनलोड, पता नहीं कैसे डाउनलोड हुआ, ये जूम आउट मींस हो जाता है, पूरा जूम फॉर्म में दिखाता है, पूरा अच्छे से मींस कंपैटिबल नहीं है आई थिंक सिस्टम के साथ। अच्छा हाँ हो सकता है ऐसे, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो दोनों साइड में ये देखो ठीक हो जाएगा। ये टास्क था तुम, हम तो तीन सिस्टम दिखा के दिखाए, टास्क देखना तो ट्राई करके कि चारों सिस्टम देके यूज करके चारों पांच जो भी है जो सिस्टम या तीनों पार्ट में डिवाइड करके ये भी कर सकते हो, इसको और भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ये भी हो सकता है। हम तो दो पार्ट दिखा है, इसको तुम मानो कि दो किसी को एक पार्ट में और दो किसी को एक पार्ट में और दो किसी को एक पार्ट में, ये भी कर सकते हो ठीक है। ये टास्क तुम लोगों का है, जिसका जिसका हुआ है ये लोग ये प्रैक्टिस करना कि इसको हम लोग फिर कितना पार्ट कर सकते हैं। पूरा तो टोटल क्लास में हम दिखा नहीं पाए ना, तो इसको तुम लोग नेक्स्ट इसमें देखना कि इसको कितना पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं।
ठीक है यस सर। अब प्रॉब्लम समझ में आया? कोई कॉन्फ्यूजन नहीं था सुचित्रा? ठीक है सर, स्टॉप कर दे क्या? हाँ हाँ स्टॉप कर दे। फिर डॉली डॉली आर यू हियर? यस सर। सर बारिश हो रहा है तो आप बताए थे ना ये सारे काम आईपी एड्रेस को चेंज कर मतलब सेट कर दिए हैं, उसके बाद से सर मेरा नेटवर्क बहुत कट रहा था तो हम उसके बाद कुछ नहीं देख पाया। अच्छा ठीक है, तुम डॉली रहे ना, हम फिर नेक्स्ट ऑडिटर जब लेंगे तो उस टाइम हम तुमको बोल के तुम्हारा ये करा देंगे, ठीक है? हम जो और थे उसका हम पहले देख लेते हैं, फिर तुम्हारा हम ये बोल देंगे, ठीक है? तुम स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग करो। और सबका तो देख लिए, शुभम शुभम कुमार शर्मा तुम दिखाओगे? दिखा दो। हाँ पल्लवी पल्लवी हम तो कुछ नहीं देख पा रहे, शायद तुम स्क्रीन शेयरिंग का जो हुआ है ना, स्क्रीन शेयरिंग के टाइम में देखो स्क्रीन ऑप्शन को चूज करो, बाकी ऑप्शंस को नहीं चूज करो। स्क्रीन ऑप्शंस जो है ना लिखा होगा, तुम स्क्रीन में जब यू चूज करोगे स्क्रीन ऑप्शन को चूज करना, नहीं तो हम देख नहीं पाए। हाँ सेम में कम्युनिकेट, हाँ ये दो 5 दो या 6 दो जो भी दो। ठीक है ठीक है पल्लवी, स्क्रीन शेयर बंद कर।